हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 20 जुलाई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था मीरा बाई चानू के बारे में। कंग्रेचुलेशन हुआ, उन्होंने सिल्वर जीता है 49 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। कहाँ से हैं वो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर। कितना वेट लिफ्ट किया टोटल उन्होंने किया, 202 kg। जो फर्स्ट आई है वो चाइना की हैं, उन्होंने 210 kg किया है। अब तो जो थोड़े से प्रिलिम्स फैक्ट हैं वो ये हैं कि एक तो ये सेकेंड इंडियन वेट लिफ्टर हैं आफ्टर कर्णम मलेश्वरी। उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था। और फर्स्ट वुमेन है ये, नहीं ऐसा नहीं है, ये सेकंड वुमेन है टू विन सिल्वर आफ्टर पीवी सिंधु। उसके बाद एक पेज 7 पे न्यूज़ थी कि सीबीआई ने सर्च किया है प्रीमाइसेस, जो पुराने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स थे। अब बेसिकली इसमें इशू क्या हुआ है कि इलीगल आर्म्स लाइसेंस इशू किए गए हैं बिटवीन 2012 टू 2016 इन जम्मू एंड कश्मीर, और कितने हुए हैं ओवर 2.78 लाख। तो थोड़ा सा ये कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, सॉरी। तो इसके बारे में अभी थोड़ी डिटेल्स आती रहेंगी, तो बट ये न्यूज़ देखने वाली थी तो मैंने आपको बता दिया है। अभी जब सर्चेस चलेंगी क्या इसका आउटकम रहता है क्या नहीं रहता है, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। उसके बाद पेज 7 पे था जो हमने UAPA देखा था 8 जुलाई के एनालिसिस में। 8 जुलाई में आपको पता चल जाएगा बेसिकली दो और एनालिसिस हैं जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने क्या कहा है रिगार्डिंग UAPA। तो देखिए, UAPA का आपका आंसर ऐसे ही अपना कंसोलिडेट होता रहेगा, क्या क्या चलता रहता है उसको ही अपडेट करते रहिएगा आप। तो उस फॉर्मर जो सुप्रीम कोर्ट जज थे हमारे जस्टिस मदन बी लोकुर, उन्होंने भी कहा है कि हमें कोर्ट्स को, सोसाइटीज़ को और स्टेट को, मतलब मींस गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए कि कैसा मेंटल ट्रॉमा होता है जो फैमिलीज़ हैं एक्टिविस्ट की, जर्नलिस्ट की और सिविल सोसाइटी मेम्बर्स की, जिनको एक्यूज़ किया जाता है ऑफ सेडिशन अंडर दिस UAPA एक्ट, और उनको जेल्स में रखा जाता है चाहे वो बाद में बेकसूर भी साबित हों। बट हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसी सोसाइटी बना रहे हैं जहाँ पे फैमिलीज और फ्रेंड्स उन लोगों की जिनको फेस करने पड़ते हैं बाप्स अबाउट देयर लव्ड वंस, मतलब अगर सपोज करिए बच्चों को उनके क्या सुनना पड़ता होगा कि उनके क्लासमेट्स बोल रहे हैं कि योर फादर इज़ अ टेररिस्ट या योर मदर इज़ अ टेररिस्ट। तो ये बहुत ऐसी सिचुएशंस में हम लोग हैं कि हमें ट्रेटर्स ब्रांड किया जा रहा है फॉर एक्सप्रेसिंग आर डिसेंट। हम बता सकते हैं जैसे अभी वो मणिपुर के एक्टिविस्ट को, सिर्फ उसने ये लिखा था कि जो काऊ का जो यूरिन है उससे कोई प्रोक्योरमेंट नहीं होती है, आप प्रोक्योरमेंट कह रहा हूँ, आप नहीं प्रोक्योर कर पाते हैं या रिकवर कर पाते हैं। तो उसमें क्या है कि ये चीज़ों की ना बातें आप लिखिएगा, एग्जाम्पल्स दीजिएगा, तो आपका आंसर अपने आप कंसोलिडेट होता रहेगा। ये एक लेक्चर का UAPA नहीं है कि आप सोचें कि एक लेक्चर में आपको बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी या एक दिन के आपको न्यूज़ पेपर में सब कुछ मिल जाएगा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको UAPA को ऐसे ही कंसोलिडेट किए देगा अपने आप। उसके बाद एक पेज 8 पे था एक एलिसन, ये बेसिकली ब्लैक स्क्विरल निकली थी, मिली थी इंडिया में। देखिए, फॉरेन में बहुत मिलती हैं US यूरोप साइड में, बट क्या था कि इंडिया में पहला वो था। तो ये 13 साल से इस पर रिसर्च चल रही थी, अब पता चला है कि वो ब्लैक कलर क्यों था, क्योंकि जीन म्यूटेशन की वजह से। ये प्रिलिम्स फैक्ट है, अगर पूछ सकते हैं तो याद रखिएगा जीन म्यूटेशन पर अपने को क्लिक करना। उसके बाद पेज 9 पे G20 मीट की, क्लाइमेट मीट की कंक्लूजन में इंडिया ने कहा है कि जो कई कंट्रीज अचीव करने को कह रही है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस या कार्बन न्यूट्रलिटी की जो बात हो रही है बाय मिड सेंचुरी, वो इनएडिक्वेट है अगर हम कंसिडर करें राइट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी देखिए, जो इकोनॉमिक ग्रो कर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनको ग्रो करना है, इकोनॉमिक ग्रो करनी है, तो वो ये चीज़ें नहीं फॉलो कर पाएंगे। और नेट जीरो इमिशन क्या होता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, वैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, कि जिसमें क्या होता है कि कंट्री जो है जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस कर रही है एटलीस्ट उतना तो वो रिमूव कर सकती है, कर पाए अगर वो एटमॉस्फेयर से, जितना वो प्रोड्यूस कर रही है, जितना भी एमिट कर रही है। अब वो कैसे हो सकता है, या तो वो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करें या कुछ टेक्नोलॉजीज लेके आए जैसे कार्बन कैप्चर, वो हमने सारी डिटेल्स डिस्कस की थी, अब दोबारा बताने वाली ज़रूरत नहीं है अभी। जब अभी आपको पता है क्लाइमेट टॉक्स भी होने वाली हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग भी है, तब हम उसको देखेंगे। इंडिया का थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिएगा, 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, बट ऑल्सो विद अमंग द लोएस्ट पर कैपिटा एमिशन। कि अगर हम 3rd लार्जेस्ट एमिटर होंगे बट अगर हमें पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो हम अमंग द लोएस्ट आते हैं। एक पेज 10 पे था कि टाइफून आया है इम्फा, कहाँ पे है, चाइना में, थोड़ा सा बना लीजिएगा प्रिलिम्स फैक्ट की वजह से। अच्छा, एक साइंस पेज पे था एक्सोप्लैनेट का, थोड़ा सा दे रखा था। एक्सोप्लैनेट सुन लीजिएगा क्या होता है, कि कोई भी प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, मतलब जो हमारे सन को ऑर्बिट नहीं कर रहा है, वो
एक्सोप्लैनेट है बेसिकली, वो अब किसी और सन को कर रहा हो या स्टार को कर रहा हो, बट ऐसे भी एक्सोप्लैनेट्स होते हैं जो सनलेस होते हैं, मतलब वो वॉन्डर जो कर रहे हैं गैलेक्सी में वो परमानेंट डार्कनेस में कर रहे हैं। ये भी ज़रूरी ऐसा नहीं है वो किसी किसी सन एक्सोप्लैनेट वही है जो किसी सन को ही वो कर रहा हो, तो ये बात याद रखिएगा। ये साइंस जर्नल में मिली है मुझे चीज़, तो याद रखिएगा। एक तो एक्सोप्लैनेट्स जो हैं दे आर वेरी हार्ड टू सी डायरेक्टली विद द टेलीस्कोप्स, क्योंकि वो दे आर हिडन बाय द ब्राइट ग्लेयर, जो जिस भी ऑर्बिट का वो चक्कर मार रहे हैं उसकी जो रोशनी की वजह से वो दिख नहीं पाते हैं टेलीस्कोप से, तो उसका कोई और मेथड से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। बहुत सारे मिशन्स हैं बट अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है हाल फिलहाल में कि एक्सोप्लैनेट का, अगर हमें मैं मिशन्स बताने लगता आपको, बहुत सारे मिशन्स हैं बट उनके भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा होगा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा या कुछ नई स्कीम आएगी या कुछ नया मिशन होगा तो पुराने मिशन देखने की जरूरत होती है, नहीं तो इतने पुराने मिशन देखने की जरूरत हर चीज़ में नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि वो एक ही सन को ऑर्बिट करते होंगे, हो सकता है वो दो सन्स को भी ऑर्बिट करते हो। कुछ एक्सोप्लैनेट्स जो हैं वो सनलेस भी हैं, दैट मीन्स वॉन्डरिंग थ्रू द गैलेक्सी इन परमानेंट डार्कनेस। उसके बाद एक पेज 12 पे हमने 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आपको डेट्स जाननी तो मुझे बता देना, मुझे लगा नहीं क्योंकि हाल फिलहाल में ही हमने 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है। थोड़े से इसके प्रीलिम्स फैक्ट बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जितना हमने पढ़ा था उसके साथ ये ऐड कर लेना कि इस अमेंडमेंट से हमें और क्या क्या हुआ था। एक तो हमारे जो आर्टिकल 19(1)(c) है, जो फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, उसमें अब कवर किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी, मतलब एक ऐड वर्ड कर दिया था, मतलब फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एक तो पॉइंट ये था। एक इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी ऐड किया था थ्रू आर्टिकल 43(b), जिसने कहा था स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और क्योंकि ये जब अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है इस अमेंडमेंट को, बट ये क्लॉज रहेगा, इट विल रिमेन अनडिस्टर्ब, साथ में वो वाला जो हमने किया था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव वाला। दूसरा क्या है, जो एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो बनी है हाल फिलहाल में, अब आप देखते हैं उसमें क्या है कि अनटिल नाउ जो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा था, वो कर रही थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है, पूछ सकते हैं आपसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट अब किसके अंडर है, तो अब वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर, पहले ये थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज उससे ज़्यादा कुछ नहीं था, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। अच्छा एक किसी ने मुझे विश किया था, हैप्पी गुड पूर्णिमा टू यू ऑल्सो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़।